मुंद्रा पुलिस मथके एसपी श्री सौरभ सिंह नी आगेवानी मा लोक दरबार नु आयोजन करवामा आव्यु। पश्चिम कच्छ जिला पुलिस द्वारा समयांतरे जुदा जुदा शहर में लोक दरबार नु आयोजन करवामा आवतु होय छे अने शहरीजनों ना जे प्रश्नों होय छे ते प्रश्नों सांभळी अने आ प्रश्नों नु निराकरण कई रीते आवे ते अंतर्गत आगेवानोनी अने अधिकारीओनी उपस्थितिमां लोक दरबारनुं आयोजन करवामां आवतुं होय छे त्यारे आ लोक दरबार अंतर्गत मुंद्रा शहर मध्ये आयोजन करवामां आव्युं हतुं जेमां मुंद्रा पोलीस मथक खाते आ लोक दरबार योजायो हतो जेमां शहेरीजनोए जुदा जुदा प्रश्नों अंगे एसपी सौरभ सिंह समक्ष रजूआत करी हती जेमां ट्राफिकनी समस्या ए मुख्य मुद्दो रह्यो हतो। शहर में दिवसा दिवस ट्राफिक ना प्रश्नों वधता जाय छे अने ट्राफिक नी समस्या ने लईने लोको मां नाराजगी रही छे त्यारे आ अंगे शुं कामगीरी करवामां आवी रही छे अने हवे आवनारा दिवसों मां ट्राफिक घटाडवा माटे कया प्रकारना पगला लई शकाय ते अंगे चर्चा विचारणा करवामां आवी हती। तो कया कया विस्तार मां पोलीस पॉइंट नी जरूरियात छे अने ते विस्तार मां पोलीस पॉइंट मूकी शकाय के केम ते अंगे पण चर्चाओ करवामां आवी हती। आ उपरांत अन्य प्रश्नों अंगे रजूआत करवामां आवी हती अने आ प्रश्नोनुं निराकरण तात्कालिक लई शकाय ते माटे आगळ पगला भरवा माटे पण एसपी श्री द्वारा जणाववामां आव्युं हतुं। आवो आ विषे वधारे सांभळीए पश्चिम कच्छ जिला एसपी सौरभ सिंहना शब्दो। आज जो कच्छ पश्चिम में मुंद्रा पुलिस स्टेशन की जो वार्षिक इंस्पेक्शन मैं ले रहा हूँ उसमें लोक दरबार रखा गया था और लोक दरबार में आज जो मुंद्रा शहर के जो आगेवान हैं वो हाजिर थे। उन्होंने अलग अलग अपने प्रश्न रजू किए। उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो ट्रैफिक के बारे में रजू किया गया और उसके लिए यहाँ पर हमने डिस्कशन भी की और पुलिस स्टेशन के पीआई श्री ने यहाँ पर क्या किया जा रहा है अभी ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए उसके बारे में भी बताया और हम आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो उसका एक प्रश्न ये जो है ट्रैफिक का वो बार बार रजू किया गया, उस पर हम काम करेंगे। उसके अलावा जो प्रश्न है वो पुलिस के कोई पॉइंट नया चालू करना है उसके बारे में रजू किया गया, तो वो भी हम किस तरह से कहाँ कहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पुलिस पॉइंट स्टार्ट करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा जो है वो महकम के बारे में भी रजूआत की कि यहाँ पे पुलिस महकम और बढ़ाया जाए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर पश्चिम कच्छ जिले को 661 रिक्रूट मिल रहे हैं चालू वर्ष में, तो उनको हम अलग अलग पुलिस स्टेशन में बांटेंगे तो मुंद्रा में भी दिए जाएंगे तो यहाँ भी संख्या बढ़ेगी पुलिस स्टाफ की। और इसके अलावा जो प्रश्न बाकी रजू किए गए हैं वो भी हमने नोट किए हैं और उस पर भी हम काम करेंगे। देखिए वो डिसीजन जो है राज्य सरकार का जो डिसीजन है वो पूरे स्टेट के लिए कहाँ कहाँ पे नए सब डिवीज़न की पोस्ट क्रिएट करनी है वो वहाँ से लिया जाएगा। ऑलरेडी इस पर कुछ काम पहले हो चुका है, नया सब डिवीज़न कहाँ कहाँ बनाना है पूरे स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो ऑलरेडी पहले काम हो चुका है, पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। जैसे ही गवर्नमेंट उसको ग्रीन सिग्नल देगी तो हम यहाँ पर नया सब डिवीज़न, पहले मुंद्रा ही प्रपोज किया गया था और मंजूर भी हो रखा है, तो वो भी फिर यहाँ पर स्टार्ट होगा। यस, वो सीसीटीवी कैमरास की भी रजूआत यहाँ पे हुई है। ऑलरेडी यहाँ सीसीटीवी कैमरास कुछ तो लगे हुए हैं जो कि अभी डीवीआर ख़राब होने की वजह से नहीं काम कर रहे, लेकिन वो उस पर रिपेयरिंग का काम जल्दी हो वो भी बता दिया गया है, तो जल्दी ही वो रिपेयर होके सीसीटीवी कैमरा सभी कार्यरत हो जाएंगे। बट नए सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए भी हमने मुंद्रा शहर को विश्वास प्रोजेक्ट है गुजरात गवर्नमेंट का, जिसमें भुज में गुजरात गवर्नमेंट ने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं, वैसे ही मुंद्रा और मांडवी के लिए भी हमने प्रपोज किया है कि यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए। तो एक विशाल नेटवर्क सीसीटीवी कैमरास का मुंद्रा के जो शहर के सब इम्पोर्टेंट ट्रैफिक पॉइंट्स हो या क्राइम के हॉटस्पॉट्स हों वो सब दो रस्ते तीन रस्ते इम्पोर्टेंट सब इसमें कवर किए जाएंगे। देखिए वो बताया गया आज के रेजिडेंशियल एरिया में गैस पाइपलाइन का
काम चल रहा है उसमें लोगों को भय है अकस्मात होने का, सेफ्टी को लेकर प्रश्न खड़े किए गए हैं, लेकिन वो मैं क्योंकि ऑलरेडी सर्वे करने के बाद उसकी काम की मंजूरी दी होगी तो सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखा जा रहा होगा ताकि कोई अकस्मात नहीं बने, बट फिर भी इसके बारे में एक हम प्रिलिमिनरी चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है और उसका क्या ऑल्टरनेट कुछ हल निकल सके तो ट्राई करेंगे।